हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहाँ पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है डीन रिसर्च स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे नैक ने ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दी हुई है। यहाँ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रखा गया है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज़, यहाँ पर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर हैं, जहाँ पर पीएचडी के लिए इन्होंने फुल इन्फॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर जिन सब्जेक्ट के लिए पीएचडी एडमिशन मांगा जा रहा है और उसमें जो सीटें रखी गई हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो बॉटनी में यहाँ पर 4 सीटों पर पीएचडी के लिए एडमिशन मांगा जा रहा है, बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट है, बौद्धिस्ट स्टडीज़ में 3 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 4 सीटें हैं, कॉमर्स में 2 सीटें हैं, डोगरी में यहाँ पर 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, इकोनॉमिक्स में 5 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एजुकेशन में 3 सीटें हैं, इंग्लिश में 4 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 1 सीटें हैं, जियोलॉजी में 6 सीटें हैं, होम साइंस में 20 सीटें हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स में 1 सीटें हैं, ICCR एंड HRM में 5 सीटें हैं, लॉ में 15 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 17 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, माइक्रो बायोलॉजी में 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, मीजियोलॉजी में 1 सीट है, फिजिक्स में 4 सीट है, साइकोलॉजी में 1 सीट है, पंजाबी में 1 सीट है, रिमोट सेंसिटिव में यहाँ पर 4 सीटें रखी गई हैं, सोशियोलॉजी में 3 सीट है, SHTM में 4 सीट है, स्टैटिक्स में 7 सीट है, जियोलॉजी में 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर गाइस 27 डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है, जिसमें आप लोगों का जो फॉर्म को रजिस्टर करने का डेट यहाँ पर 11 अगस्त 2023 का डेट मेंशन किया गया है। 11 अगस्त से आप इसके फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसकी लास्ट डेट 25 अगस्त 2023 का डेट रखा गया है। 18 सितंबर को एग्जामिनेशन का, जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसका डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। बात कर लें यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है, वो काफ़ी कम फीस यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से रखी गई है। आप सभी जानते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो काफ़ी कम एडमिशन फ़ीस रखती है। यहाँ पर 240 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, जिसके लिए आप लोगों को www.jammuuniversity.ac.in पर जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, वहाँ पर आप लोगों का ये पेमेंट के ऑप्शन में ये फ़ीस आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है एंट्रेंस का, वो 50% मार्क्स रखा गया है। अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। गाइज, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम का जो 4 सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन है या जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन है, उसमें आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो भी आप तो भी आप यहाँ से पीएचडी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जो सिलेक्शन है या जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसमें आप लोगों को फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो एडमिशन या फिर इंटरव्यू के समय में आप लोगों को फाइनल रिजल्ट लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो एजुकेशनल क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया है, तो ऐसे एक स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री में पास आउट होना ज़रूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो 50% के साथ उन्हें मास्टर डिग्री अपनी कम्प्लीट करनी ज़रूरी है, तो ही इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो अपियर माने जाएंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।